नमस्कार शर्मा जी, वर्कशॉप में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मैं अपने इस ट्रैक्टर से पिछले एक महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी इसकी हाइड्रोलिक ठीक से काम नहीं करती, कभी इसकी रियर एक्सल की सील से, कभी क्लच हाउसिंग ज्वाइंट से, तो कभी गियर लीवर रबर से, और हाइड्रोलिक हाउसिंग के गैस्केट से ऑयल की चिकनाहट दिखाई शुरू हो जाती है। ठीक है शर्मा जी, ये बताएं कि अभी आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल किस काम के लिए और किस इम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल पडलिंग ऑपरेशन में रोटावेटर के साथ कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे ट्रैक्टर में कोई बड़ी कमी है जो कि आप लोग खोज नहीं पा रहे हैं। आइए शर्मा जी, हम और आप दोनों मिलकर इसकी वजह खोजते हैं। सबसे पहले ऑयल की मात्रा एवं क्वालिटी की जांच करते हैं। ऑयल की मात्रा एवं क्वालिटी फिट है। माउंटिंग बोल्ट का टॉर्क चेक करते हैं। बोल्ट लूज तो नहीं? बोल्ट भी सब कसे हुए हैं। शर्मा जी, गियर बॉक्स से लोड पर कोई आवाज तो नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब। शर्मा जी, ये जॉइंट में जो चिकनाहट है, क्या यहाँ से तेल का रिसाव या टपकना भी होता है? नहीं डॉक्टर साहब, रिसाव टपकना तो नहीं होता। मुझे लगता है हम समस्या की जड़ तक पहुँच गए हैं। आइए अब ब्रीथर चेक करते हैं। आप इसकी भी संतुष्टि कर लीजिए। ओहो शर्मा जी, गियर बॉक्स का ब्रीथर तो चोक हो चुका है, इसीलिए आपको इन सभी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, मजाक मत करो। नहीं शर्मा जी, इस ब्रीथर का इस समस्या से बहुत बड़ा संबंध है। वो कैसे, मुझे बताइए। शर्मा जी, ट्रैक्टर चलने के दौरान गियर बॉक्स के तापमान परिवर्तन और हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से तेल के स्तर में बदलाव आने के कारण गियर बॉक्स में एयर प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर बनता है। इसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए ब्रीथर दिया जाता है। यदि ब्रीथर ब्लॉक हो जाता है तो प्रेशर की वजह से ऑयल सील और गैस्केट से रिसाव हो सकता है। अतः शर्मा जी, ब्रीथर की समय समय पर सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। आज मैं आपके ब्रीथर को साफ भी कर देता हूँ और आपको सिखा भी देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आगे से मैं गियर बॉक्स के ब्रीथर को समय समय पर साफ करता रहूंगा ताकि ऑयल सील या गैस्केट से रिसाव या हाइड्रोलिक की समस्या से अपने ट्रैक्टर को बचा सकूं।